हमारा क्रिकेट बोर्ड पूरे साल में जितने पैसे नहीं कमाता उससे ज्यादा पैसे हम इनके 3 टेस्ट मैचेस के जो है वो कमा लेंगे। इनके 15 दिन में उतने ज्यादा पैसे हम जो है कमा लेंगे इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में। नजम सेठी का मैं स्टांस देख रहा हूँ, इस तरह रमीज राजा एक अपने स्टांस पर कायम रहते थे, नजम सेठी ने जो अब स्टांस लिया वो बड़ा बेहतरीन था। और भारत के जो जय शाह हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सदर हैं, उनको बैकफुट पर धकेल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल रेडी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया के साथ 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के। नजम सेठी ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है, इसमें नजम सेठी ने बोला कि मैं तो तैयार हूँ, हम खेलना चाहते हैं, अगर इंडिया तैयार है तो हमें खेलने में कोई मसला नहीं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो। ऑस्ट्रेलिया वाले पागल है, ये इनको पता नहीं है कि हम लोग गंदे लोग हैं, इनको 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 अभी तक समझ नहीं आई कि हम लोग तो लड़ लड़ के मर गए हैं आजकल। जय हिंद दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो, ये सिर्फ दोनों देश के क्रिकेट फैन ही नहीं बल्कि क्रिकेट देखने और पसंद करने वाले हर देश के फैन चाहते हैं। एशिया कप या वर्ल्ड कप में ये ख्वाहिश पूरी होती हो पाती है, लेकिन फिलहाल तो दोनों देशों में क्रिकेट बोर्ड के बीच टकराव के कारण ये भी संभव होता नहीं दिख रहा। इन सब के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजम सेठी ने एक अलग ही शिगुफा छेड़ दिया है, भारत पाकिस्तान टेस्ट सीरीज। इधर एशिया कप के आयोजन को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है, इसको लेकर चला आ रहा टकराव वर्ल्ड कप 2023 में भी अड़ंगा डाल रहा है। दोनों टूर्नामेंट में ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अभी तक भी इनका समाधान नहीं निकल पाया है। पाकिस्तानी बोर्ड का अड़ियल रुख इस पर बरकरार है, लेकिन इन विवादों के बावजूद नजम सेठी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। नजम सेठी के इस लॉलीपॉप पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं। जहाँ भी इंडिया हमारे साथ खेलना चाहे हम खेलने के लिए तैयार है, हमें क्रिकेट खेलने से कोई मसला नहीं है, ठीक है। और बीसीसीआई का अभी कोई जवाब नहीं आया, पहले भी कोई जवाब नहीं आया था, अभी तक बीसीसीआई का इस पर कोई जवाब नहीं है, ठीक है। बीसीसीआई का मुझे नहीं पता वो मानेंगे नहीं मानेंगे, और ये यार मसला बहुत बड़ा लगता है, सीधी सी बात है, ये अब तो ख्वाब बनता हुआ नजर आ रहा है। 2007-08 में खेले हम आखिरी बार टेस्ट सीरीज, अब ख्वाब बनता हुआ नजर आ रहा है कि यार कभी हम इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों को 2-4 घंटों से ज्यादा भी एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखेंगे क्या। ओडीआई तो फिर भी हम वर्ल्ड कप में देख लेते हैं, क्या टेस्ट मैचेस में हम इंडिया पाकिस्तान को खेलता हुआ देखेंगे, ये तो सबका ख्वाब बन गया है। लेकिन यार मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान इंडिया में जाके नहीं खेल रहा, इंडिया पाकिस्तान में आके नहीं खेल रहा, कोई और मसला नहीं है यार, तो इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में खेलने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, जाके दोनों खेल सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के गिर्द जो घेरा तंग किया था उसको मजीद टाइट कर दिया है, और इंटरनेशनल मीडिया भी अब पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट कर रहा है कि यार हम तो आपसे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, असी केड़ी एके 47 दी बंदूक लेके खड़े हैं। सो अब पीसीबी पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के वेन्यू के ऊपर, और कहां से बात बड़ी, कहां सिर्फ इसलिए कि इंडिया में ये अक्टूबर वाला वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खराब कर देना है। एक चीज याद है, जब हम वर्ल्ड कप की कवरेज कर रहे थे, जब मेलबर्न में पहला मैच हुआ 16 तारीख को आई थिंक हुआ था, तो वहां पर पाकिस्तान 23-24 अक्टूबर थी हाँ, पाकिस्तान हार चुका था, कितना क्राउड देखा था हमने एमसीजी, आज भी सिडनी मॉर्निंग में लगाई हुई है 93,000 समथिंग क्राउड था, आखिरी 93,000 क्राउड हमारे सामने था, कितनी अवाम का शोर शराबा था, जब आखिरी 3 ओवरों में 42 और ब्रेक में जो बाहर आके 50,000 बंदे ने सिगरेट लगाया, क्या था सिगरेट और कितने मुनज्जम लोग थे कसम से, 10 मिनट में अंदर भी चले गए। अच्छा बाकी बातें छोड़े, मैं वर्ल्ड कप से मुझे याद है इस सीरीज के बारे से, वर्ल्ड कप में आपको याद है हमने खबर दी थी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि पाकिस्तान हमारे वेन्यू पर आके भारत के साथ एक बायलैटरल सीरीज खेले। तो आप ये मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की हाँ मिलाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और जो 2 टेस्ट मैचेस की तजवीज दी है, तो मेरा नहीं ख्याल, आप क्या समझते हैं एज ए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप समझते हैं कि भारत इस पर हामी भरेगा? देखिए बुनियादी तौर पर इंडिया आईसीसी में पैसा अपना डालता है, ब्रॉडकास्टर्स इंडियंस हैं, स्पॉन्सर्स इंडियन है, वो सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो एशिया कप होना था, पाकिस्तान ने खुद कहा कि इंडिया नहीं आ रहा, हम इंडिया को हाइब्रिड मॉडल पे खिला देते हैं। अब इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जो नफरत का इजहार करते हैं, मैंने आज खालिद महमूद साहब की बोल न्यूज के ऊपर बड़ी अच्छी बात सुनी है, वो कहते हैं कि यार तुम लोगों को पाकिस्तान बुरा लगता है ना, तो ये क्यों नहीं कहते हो कि हम पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप खेलेंगे, हम पाकिस्तान को यहां नहीं आने देते, पाकिस्तान जो ना वो आतंकवादी है, पाकिस्तान ये है पाकिस्तान, तो आप चाहते हो कि हम आपके यहां आ जाएं, आप यहां नहीं आ सकते हो, इसलिए पीसीबी ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, इन तमाम के साथ पीसीबी ने अपना रिलेशन अच्छा बना लिया है, और आज के मॉडर्न दौर में 2024 के दौर में
आपका ये जो हिंदू निराष्ट्र का जो आप वो लहराते हो ना, कौन लोग हो तुसी? आपका ये इंडिया में लहरा सकता है, पूरी दुनिया कह रही है कि यार एक दूसरे के यहाँ क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हो। इस वक्त इंडिया की तरफ से जो नाइंसाफी, इंडिया की तरफ से नहीं, सारे इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए, जेशा की तरफ से इस वक्त जो नाइंसाफी चल रही है उसके बावजूद कितना अच्छा साइन है ये, कितना अच्छा जेस्चर है ये कि पीसीबी ने इतनी नाजुक सूरत हाल में इतना पॉजिटिव बयान दिया कि पाकिस्तान रेडी है, पाकिस्तान रेडी है ये टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। अब क्या करना है इंडिया को, सिर्फ दूसरा हाथ निभाना है, आगे करना है दोस्ती का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने यह भी कहा कि उनकी पहली प्रायोरिटी यही है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के मुल्क में जाके खेलें, लेकिन वो अलहदा साइंस है, उस पर हम अभी नहीं आएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बयान उन्होंने ये भी दिया कि अगर उनके हाथ में ये डिसीजन हो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड भी ऑफर कर चुका है कि कहां भी ये टेस्ट सीरीज हो, तो उनकी प्रेफरेंस होगी कि इंग्लैंड में ये टेस्ट सीरीज पहले शुरू हो। और इंग्लैंड में जो, मतलब मेरा तो जो एक्सपीरियंस है, जो कमाल के फैंस इंग्लैंड में मौजूद है पाकिस्तान और इंडिया के, सारी एशियन कम्युनिटी के, वो इनक्रेडिबल हैं। जो उनके वो कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, जो वहां पे माहौल है, इंग्लैंड इज वन ऑफ द बेस्ट 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 प्लेसेस टू हैव इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस। सो ये बड़ा जबरदस्त साइन है इंडिया पाकिस्तान के लिए। और यार हम मिस करते हैं वो 2007 की टेस्ट सीरीज, मतलब मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी जनरेशन कितनी अनलकी है कि हम शहीन शाह अफरीदी का टेस्ट का स्पेल नहीं देख पाए अभी तक, विराट कोहली के अगेंस्ट हम नहीं देख पाए इंडिया पाकिस्तान की वो टेस्ट की टसल, वो लंबे लंबे स्पेल। मतलब मेरा दिल करता है कि वो लाहौर में गर्मी में टेस्ट मैच हो रहा हो और इंडिया का स्पिनर लगा हो और पाकिस्तान की 50 ओवर हो गई और कोई आउट ना हुआ हो। मतलब मेरा दिल करता है कि चेन्नई की गर्मी में एक टेस्ट मैच हो रहा हो, वही सचिन तेंदुलकर वसीम अकरम वाला जमाना, कि बाबर आजम कंधे पे हाथ रख के कह रहा हो कि घबराना नहीं है, विकेट मिलेगी, इनकी पार्टनरशिप लगेगी। यार वो वाकया हमें दोबारा चाहिए इंडिया पाकिस्तान वालों को, कसम से ये इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज एक दफा देखने को मिल जाए ना जिंदगी में, तो हम सारे उसके बाद आराम से बस फिर रेस्ट करें। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप और वर्ल्ड कप के विवाद से इतर नजम सेठी भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज के आयोजन का ख्वाब देख रहे हैं। नजम सेठी ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए कहा है दोनों देशों के बीच बायलैटरल टेस्ट सीरीज की संभावनाएं हैं और इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को मुफीद जगह बताई है। सेठी का मानना है कि अगर इनमें से किसी भी जगह स्टेडियम दर्शकों से हाउसफुल होता है तो वहां टेस्ट सीरीज संभव है। इसके लिए सेठी ने इंग्लैंड को सबसे बेहतर वेन्यू बताया है, लेकिन साथ ही अगर ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम भरने लायक दर्शक आते हैं तो वहां भी संभव है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2007 के बाद से कोई भी टेस्ट सीरीज खेली नहीं गई है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब दोनों टीमों के बीच ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज का आयोजन की बात की गई हो। करीब 2 साल पहले तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड भी दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज की मेजबानी का प्रस्ताव रख चुके हैं, लेकिन हर बार इन्हें खारिज कर दिया जाता है। आपकी राय में क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज होनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।